मैं अर्चना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हल्दी हमारे लिए बहुत गुणकारी है। कोरोना जैसी बीमारी जब 6 महीने पहले पीक पे थी तब हम सभी लोग हल्दी का दूध पीते थे और अभी भी पी रहे हैं, क्योंकि हल्दी से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। हल्दी बहुत सारी बीमारियों पे अलग अलग रूप से दवाई का काम करती है। सो आज मैं आपको कच्ची हल्दी की सब्जी बता रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और हमें रोज इसका सेवन करना चाहिए। तो ये सब्जी यदि आप बना के रखोगे और 2-3 दिन ये आराम से रहती है, तो इसका यदि हम रोज खाने में सेवन करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए हम सब्जी स्टार्ट करते हैं। कच्ची हल्दी की सब्जी बहुत से लोग घी में बनाते हैं और बोलते हैं कि हल्दी गर्म है इसलिए बराबर से घी में सब्जी बनानी चाहिए। हल्दी गर्म तो है, लेकिन अभी हम सब लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत है, इसलिए मैं आज जो आपको सब्जी बता रही हूँ वो तो मैं तेल में ही बता रही हूँ, और जब सब्जी हमारी पक जाएगी सर्विंग के लिए हम तैयार रखेंगे तब मैं उसके ऊपर घी डालूँगी और आप खाते टाइम भी उसके ऊपर घी डाल के खाइए। मैंने कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने के लिए 1/2 किलो कच्ची हल्दी लाई थी, उसको अच्छे से उसके छिलके निकाल कर कद्दूकस कर लिया है, 2 प्याज लंबे लंबे काट लिए हैं, 10-12 लहसुन की कलियां है जिसको मैंने कूट लिया है, अदरक का टुकड़ा है 1.5 इंच का, उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप टुकड़े भी कर सकते हैं क्योंकि इसको सभी को मिक्सर में से घुमाना है। हरी मिर्च है 5-6 हरी मिर्च है, और 1 टीस्पून सौंफ है जो मैंने सेक के उसकी पाउडर बना ली है। तो ये सभी चीज़ें हम प्याज के साथ डाल के उसको मिक्सर में से उसकी पेस्ट बना लेंगे। फ्रेश मटर को मैंने बॉईल कर लिया है, 2 मीडियम साइज के टोमेटो को मैंने उसकी बारीक काट के उसकी प्यूरी बना ली है, अच्छा गाढ़ा 3/4 कप दही लिया है, सब्जी के लिए तेल है, और सब्जी तैयार होने के बाद उसके ऊपर डालने के लिए ये घर का शुद्ध घी है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धना पाउडर और बाकी मसाले हम सब्जी बनाते टाइम डालेंगे। अभी हम गैस ऑन करते हैं और ये फ्राई पैन उसके ऊपर गर्म करने के लिए रखते हैं। इसमें अभी हम तेल डालेंगे, जिसमें तेल गर्म होने के बाद हम हल्दी को भूनेंगे, क्योंकि कच्ची हल्दी है तो इसलिए उसको भूनना पड़ता है। गैस की फ्लेम स्लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और तेल अभी ये गर्म हो चुका है, इसमें हम ये हल्दी भून लेंगे। अभी हम गैस की फ्लेम सिम कर देते हैं और तब तक हम दूसरी कढ़ाई में हम मसाला भून लेंगे और बीच बीच में इस हल्दी को भी हिलाते रहेंगे। अब हम गैस ऑन करते हैं और दूसरी कढ़ाई गैस पे रखते हैं, जिसमें हम तेल डालेंगे और गर्म होने के बाद मसाला भूनेंगे। तेल गर्म हो चुका है, उसमें हम राई डालेंगे और अदरक प्याज लहसुन की जो पेस्ट करी थी उसको भूनेंगे। अभी इसमें हम ये टोमेटो की प्यूरी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से कंटिन्यूअस हिलाते रहेंगे। इसके ऊपर एक थाली ढक देते हैं ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। अब ये कद्दूकस करी हुई हल्दी अच्छे से मैंने 10 मिनट तक अच्छे से भून ली है, बिल्कुल सीम फ्लेम पे, गैस की फ्लेम बिल्कुल सीम थी और उसको अच्छे से भून ली है। अब हम सिर्फ 2 मिनट इसको मीडियम फ्लेम करके उसको कंटिन्यूस हिलाएंगे और गैस बंद कर देंगे। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको इसी में फ्राई पैन में ही हल्दी छोड़ देंगे ताकि उसके बीच से भी और हल्दी अच्छे से भून जाएगी। गैस हम बंद कर देते हैं। अब मसाले में हम दही भी डाल देंगे, जिससे सब्जी को बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। दही डालना बहुत ज़रूरी है और इसको लगातार हिलाते रहिए मसाले को, और जब तब तक सेकना है जब तक दही का घी मसाले में आपको साइड में नहीं दिखेगा, तब तक इस मसाले को भूनते जाइए। बीच में इसमें थाली रख देना क्योंकि ये मसाले की छींटे बाहर उड़ सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर प्लेट ढक देना। अब हम इसमें बचे हुए मसाले डालते हैं। देखिए तेल थोड़ा थोड़ा
निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े मसाले डाल देते बचे हुए। सबसे पहले हम नमक डालते हैं 1/2 टीस्पून। आप भी स्वादानुसार और आपके क्वांटिटी के अनुसार कम ज़्यादा कर लेना। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हल्दी की सब्ज़ी है। इसमें धना पाउडर डालते हैं 2 टीस्पून और 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे जिससे सब्जी को अच्छा कलर आएगा लेकिन तीखी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। सौंफ की जो मैंने भूंज के पाउडर बनाई थी उसको भी हम इसमें मसाले में डाल देंगे जिसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। अब इस मसाले के ऊपर हम थाली डाल देते हैं। जिस मिक्सर के पॉट में हमने मसाला पीसा था उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के हम इस मसाले में डाल देंगे ताकि बॉयल होके पानी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बाद में इस सब्ज़ी में बिल्कुल भी पानी नहीं डालते हैं। देखिए मसाले में तेल सब साइड में मसाले के ऊपर आ गया है। अब इसमें हम बॉईल किए हुए मटर डाल देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी लेकर हम इसके ऊपर क्रश करके डालेंगे जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपको सब्जी यदि गाढ़ी लगी तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए लेकिन पानी बिल्कुल नहीं डालना है। गैस की फ्लेम सिम कर दी है और इसमें अब हम ये भुनी हुई हल्दी इसमें मसाले में डाल देंगे। ये सब्जी अभी भी बहुत गाढ़ी है तो इसमें हम थोड़ा और दूध डाल के इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसमें मैं 1/2 कप दूध और डाल रही हूँ क्योंकि सब्जी को थोड़ा बॉईल करना है 2 मिनट के लिए तो वो और गाढ़ी हो जाएगी इसलिए मैंने दूध डाला। अब हम सब्जी में 2 चम्मच घी डाल देंगे और जब आप सब्जी खाएंगे उस टाइम पे भी आप घी डाल के खाइए तो बहुत अच्छी लगेगी। बाद में घी डालने से घी की टेस्ट भी अच्छी आती है और उसकी खुशबू भी अच्छी आती है। सब्जी हमारी तैयार हो गई है। सब्जी में थोड़ा थोड़ा घी देखो ऊपर दिख रहा है और सर्व करते टाइम हम इस पे और घी डाल देंगे क्योंकि हल्दी गर्म होती है तो हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डाल के फिर सर्व करेंगे। इसमें मैं 1 चीज़ क्यूब को भी कद्दूकस करके डाल रही हूँ। फ्रेश हरा धनिया काट के उससे भी हम सब्जी को गार्निश करेंगे बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। दोस्तों हमारी ये कच्ची हल्दी की हेल्दी सब्जी तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी है और हमारे लिए बहुत लाभदायी है तो आप इसे ज़रूर बनाइए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरा आई रेसिपी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई रेसिपी के साथ।